मेहनत से मैं जो काम कर सकूंगा पार्टी के लिए और देश के लिए, उसके लिए मैं हमेशा आपको करेंगे। बिल्कुल, वो तो जिस पार्टी में भी जाएंगे तो वही है। प्रोफेसर साहब का हमेशा, नेताजी का हमेशा, मेरे को पता है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा। किस विचारधारा का विरोध करते रहे? कभी विरोध नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं ना आपको, स्वदेशी जागरण मंच किसका था? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने विचारधारा का नहीं, कुछ विचार का हो सकता विरोध किया, लेकिन आरएसएस के विरोध में कभी बोले? आप बताएंगे कहीं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं आप? ये क्या प्रश्न है? मैं समाजवादी विचार का हूं, मैं पहले बोला ना आपको, मैं समाजवादी विचार का हूं, और आचार्य नरेंद्र जी के जो विचारधारा थी उसको, उस पर मैं चल रहा हूं। सर, बात करने के लिए नीरज शेखर जी, जो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आज आप भाजपा में शामिल हुए, क्या रीजन रहा? मैं पहले भी बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए मैंने हुआ, समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व आज के दिन है, जो नेतृत्व नेताजी का था, प्रोफेसर साहब का था, उसमें जो समाजवादी विचारधारा पे उस पर काम हो रहा था, आज उससे बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में काम हो रहा है और समाजवादी विचारधारा पे पार्टी नहीं चल रही है। इसलिए मैंने तय किया कि मुझे अब यहाँ पे काम करना मुश्किल होगा, मैं इसलिए दूसरी पार्टी में आ गया। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की, उन्होंने कहा कि आइए, आपका स्वागत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर आपको राष्ट्रहित में काम करना है तो आइए पार्टी के साथ जुड़िए, और मैं आ गया। क्या बलिया से टिकट न मिलना भी एक कारण रहा? नहीं, बलिया से टिकट मिलना कारण नहीं रहा, बलिया में जिस तरह मुझे टिकट नहीं दिया गया कारण नहीं है, लेकिन जिस तरह मैं, वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, उसको मैं नहीं दोहराना चाहता, लेकिन वो एक मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। अगर उनको मना करना था तो पहले ही दिन मना कर देना, ये तुम्हारे पास राज्यसभा है, तुम मत लड़ो। लेकिन उन्होंने 29 तारीख को लास्ट डे थी नॉमिनेशन की, 28 तारीख की 9 बजे भी उन्होंने नहीं बताया, उनके ऑफिस से पता चला, ये दुखद है, वो है, लेकिन अंतिम सवाल नहीं है। अंतिम सवाल नीरज जी, संसद में हमेशा चंद्रशेखर जी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहे, अब आप उसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, कोई विशेष योजना से? कोई योजना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है, पार्टी राष्ट्र हित में काम कर रही है, राष्ट्र के विकास के लिए काम कर रही है, तो मैं उनके साथ हूँ। नीरज शेखर हैं, चंद्रशेखर नहीं है, ये आप लोगों को समझ जाना चाहिए। नीरज शेखर जो वो सोचते हैं, और मैं अपनी विचारधारा और पिताजी के सिद्धांतों से कभी नहीं समझौता करूंगा। ये थे चंद्रशेखर के सुपुत्र, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सुपुत्र नीरज शेखर, जिन्होंने आज ही भाजपा का दामन थामा, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी विचारधारा से वो कभी समझौता करने वाले नहीं है। आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए जो शामिल हुए हैं। कैमरामैन वेद पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।